हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इतने दिन से आप लोगों की हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जर्नी शेयर कर रहा था, जिसमें मैं आज मेरा 7वां दिन है। मैं सर के यहाँ आया था और मेरा आज हेड वॉश था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सर से थोड़ा डिस्कशन करके और आप लोगों के लिए हर एक चीज़ बता दूँ। तो इसलिए यदि आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि सर से मैं पूछूंगा, जो भी चीज़ें आपके लिए, जो भी डाउट्स हों सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने सोचा था कि सर इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। जब मैंने सर से बात की और सर ने लगभग आधे घंटे हमसे बात करी और उसके बाद सर ने एक एक चीज़ को समझाया, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करवाना है। मैं घर पर पहुँचा, सर ने बोल के रखा था कि आपको जितनी बार भी बात करनी है, जितनी बार भी जो भी पूछना है तो हमसे बात करना, यदि घर वालों को कोई प्रॉब्लम है, घर वालों का कोई इशू हो रहा है तो घर वालों से बात करके आप हमें बताना। तो हमने सर से बात करवाई घर वालों की और मैंने भी बात करी, तो सर ने इतने अच्छे से सारी चीज़ें बता दी और मेरे अंदर से वो डर चला गया, क्योंकि वो प्रोसीजर ऐसा मतलब देखने में बहुत डरावना लगता है। बाकी मैंने जब यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाया तो मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कुछ भी, बस एनेस्थीसिया दिया था, बस उसी टाइम दर्द हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं तो शाम के टाइम बिल्कुल रिलैक्स होके घर पर गया। बाकी और आगे की प्रोसेस जो भी है, जो भी क्वेरी रहती है, बहुत लोग कमेंट करते हैं तो सारे लोगों के क्वेश्चन आज सर सॉल्व कर देंगे। और यदि आप यहाँ पे हॉस्पिटल पे आना चाहते हैं तो सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखे हैं, तो आप उसमें जाके और बात कर सकते हैं। बाकी सर बताएंगे। थैंक यू प्रवीण। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है या कोई और भी प्रोसीजर है, जब कभी आप कोई प्रोसीजर प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से उसे डिटेल में समझना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों वो सक्सेसफुल है, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फॉलो अप कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। सारी चीज़ें जब हमें क्लियर होती हैं तो हमें फिर सर्जरी में जाने में आसानी होती है, बिकॉज़ हमें सब चीज़ें पता रहती हैं कि इस समय के बाद ये होगा, इस समय के बाद ये होगा, है ना। तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता, है ना, जो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता, है ना। अगर स्ट्रेस रहेगा तो बाल झड़ेंगे। अगर हम सब चीज़ें पहले से पता रखेंगे, जैसे हमें पता है कि सेडिंग फेज़ आनी है, 3 मंथ तक रहेगी, तो उस चीज़ का आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आफ्टर दैट ग्रोथ आ जाएगी, है ना। नहीं तो शुरू के 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें, आप क्लिनिक जाएं, डॉक्टर से मिलें। उसमें हेयर लाइन डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबका स्कैल्प सेम नहीं होता, किसी का बहुत ब्रॉड होता है, किसी का बहुत छोटा सा होता है, किसी की एज कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी का डोनर एरिया वीक होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के आपकी हेयर लाइन डिसाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी क्या देनी है, फ्रंट में क्या रखनी है, मिडिल में क्या रखनी है, पीछे क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। तब जाके प्लान होता है कि कितने ग्राफ्ट आपको लगाने चाहिए, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि आपके कम से कम ग्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये पूरी एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए आप चाहें तो क्लिनिक आ सकते हैं यहाँ पे, या अगर दूर रहते हैं और सीधे क्लिनिक नहीं आ सकते तो आप पहले फोटोग्राफ्स सेंड करके एक बार एक प्रिलिमिनरी इवेल्यूएशन करा लें। जब आपके, है ना, काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं, फिर आप एक बार क्लिनिक आके बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि हाँ इस तरीके से मेरा प्रोसेस होगा और ऐसा रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिर आप सर्जरी में जाएं, है ना। इसके पहले कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे हमने प्रवीण के भी कराए थे, हम सब पेशेंट के कराते हैं उनकी फ़िटनेस के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद फिर रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो यही प्रोसेस रहता है। अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो पहले डॉक्टर से मिले, हेयर लाइन डिस्कस करे, ग्राफ डिस्कस करे, डोनर एरिया अपना एवेल्यूएट कराए, रेसिपिएंट एरिया कराए, एज, बाकी कोई अदर बीमारी है, कोई दवाइयाँ चल रही, सारी डिटेल्स डॉक्टर को बताए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ट्रांसप्लांट प्लान करें, ताकि सेफ्टी के साथ आपकी सर्जरी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना फेस करना पड़े। एक क्वेश्चन और सर था कि जो भी मतलब ट्रांसप्लांट करवाना चाहता, थोड़ा आप मतलब ऐसा प्रोसेस बता दीजिए कि उसमें आकर होता क्या है, मतलब उसमें आकर जैसे अब हमारे तो लग चुके, अब थोड़ा वीडियोस वगैरह तो हम उस पर स्क्रीन पर शेयर कर आपको कर ही देंगे साथ में, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसके साथ में, मतलब होता क्या है प्रोसीजर में पूरा आप बता दीजिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, है ना। अभी FUE और FUT 2 टेक्निक होती हैं। FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में एक एक फॉलिकल निकाला जाता है और FUT में स्ट्रिप ली जाती है। अभी हम लोग जो करते हैं वो FUE करते हैं, एक एक फॉलिकल लेते हैं। तो इसमें 3 स्टेप में करते हैं।
एक स्टेप होता है स्लिट मेकिंग, मतलब कि सिर में आगे के हिस्से में जहाँ ग्राफ्ट लगने हैं वहाँ पे हम होल्स क्रिएट करते हैं एक फिक्स एंगल डायरेक्शन में, ताकि नेचुरल से नेचुरल रिजल्ट हो, वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर से मैच हो, है ना। फिर उसके बाद एक स्टेप होता है जिसमें बाल निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। उसमें हम छोटे से छोटे पंच से, ताकि बूंद साइज मिनिमम रहे, और उस हिसाब से क्या ग्राफ्ट का साइज़ है, कितना टिश्यू है, वो देखते हुए किस साइज़ का पंच लेना है वो डिसाइड करते हैं, और उसके साथ फिर ग्राफ्ट निकाले जाते हैं। और तीसरा होता है इम्प्लांटेशन, जिसमें आप ये ग्राफ्ट निकालते हैं और जो स्लिट बनाते हैं तो ये ग्राफ्ट उन स्लिट्स में प्लेस करते हैं। तो ये तीन स्टेप में ये पूरी सर्जरी होती है। अप टू 3000 to 3500 ग्राफ्ट, कई केसेस में 4000 ग्राफ्ट तक एक सेशन में, यानी एक ही दिन में हो जाता है। उससे ज़्यादा ग्राफ्ट होते हैं तो जनरली हम लोग 2 दिन का सेशन रखते हैं, और वो डोनर एरिया एवेल्युएट करके, अगर कि डोनर एरिया इतना सफिशिएंट है तो, अदरवाइज लगभग पहला सेशन 3500 to 4000 ग्राफ्ट तक का एक सेशन में करते हैं। तो ये हम एक दिन में कर लेते हैं, सुबह 9 बजे जैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो शाम को 6-7 बजे तक आपको ड्रेसिंग करके लगभग हो जाता है कंप्लीट। और सर मतलब जो भी करवाना चाहते हैं तो उनके लिए कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है, सब लोग कॉस्ट का पूछते हैं बार बार कि कॉस्ट कितना आएगा, हमारा कितना लगेगा, तो वो खुद कैसे घर पे चेक कर पाएंगे कि हमें कितने ग्राफ्ट आएंगे और कितना हमारा कॉस्ट आएगा, कितना क्या खर्चा आएगा, आपका जो स्टैंडर्ड है तो आप उस हिसाब से आप उनको बता दीजिए। देखिए एक बहुत सिंपल रूल जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ ग्राफ्ट कैलकुलेशन का, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर दे देता है। जैसे आप नॉर्बर्ट हैमिल्टन ग्रेड को पहले समझो, है ना, नेट पे आपको इसकी इमेजेस मिल जाएंगी, आप अपनी बाल्डनेस को पहले उससे कंपेयर करो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस ग्रेड का बाल्डनेस आपको हो रहा है, ठीक है। फिर उस ग्रेड के बाल्डनेस में अगर आप ऑलमोस्ट 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा, जैसे ग्रेड 2 में 2000, ग्रेड 3 में 3000, ग्रेड 4 में 4000, इसके कहीं ना कहीं अप्रोक्स ही ग्राफ्ट लगते हैं, मतलब 300-500 तक का वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्कैल्प साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। अगर कोई आपको ग्रेड 2 में 5000 ग्राफ्ट बता रहा है तो आपको फिर सोचना है कि मतलब यहाँ सही बता रहे हैं या नहीं, या कोई आपको ग्रेड 7 में बोल रहा है 2000-3000 ग्राफ्ट तो भी सोचना है, बिकॉज इतना बड़ा एरिया इतने ग्राफ में अच्छी डेंसिटी से नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं या तो डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है या कहीं ना कहीं नंबर गलत बताया जाता है। तो आपको एक रफ आइडिया इससे लग जाएगा, इसके नियर बाई जो क्लिनिक बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा, हर डॉक्टर अपने हिसाब से करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ग्राफ्ट नंबर में हो सकता है, है ना, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपके रिजल्ट्स को बिगाड़ सकता है। तो आपको एक रफ आइडिया ये रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप डॉक्टर से डिस्कस कर लो, फिर प्राइसिंग वगैरह क्लिनिक टू क्लिनिक जो वेरी करता है, हमने एक स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है, हम जैसे हमारे पास 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees ग्राफ्ट के ऑप्शन होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड 20 rupees का जो ऑप्शन होता है वो बहुत सफिशिएंट होता है और उसमें एक अच्छा लुक हम क्रिएट कर देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं तो आया था, मैंने सर से बात करी थी, सर ने मतलब बहुत अच्छे से मुझे हर एक चीज़ समझाई थी, मैंने आपको मैं बता दिया है, मेरे जो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने मेरे हेयर इस जगह पर थे तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके अलावा सर ने जब ट्रांसप्लांट किया उस दिन सर ने खुद अपने आइडिया से, ऐसा नहीं है कि सर ने मतलब जितना बोल दिया बोई, उन्होंने जब हमारे हेयर ट्रिम हुए, हेयर ट्रिम होने के बाद तो सर को कंडीशन हमारे हेयर्स की दिखी और फिर सर ने सारी जगह पर प्लांट किया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हमें ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि सर ने उस चीज़ का हमारा ख्याल रखा कि मतलब आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, हमारे जहाँ पर हेयर थे मतलब थोड़ी जाने वाले थे आने वाले टाइम में, तो वहाँ पे सर ने उस जगह पर भी हमारे ग्राफ्ट लगा दिए ताकि हमें अब उस चीज़ से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, कि हमें आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम ना हो पाए सर। मतलब सर इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाँ बहुत अच्छा लगा था सर इस चीज़ के लिए। और यदि आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप आइए यहाँ पर, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैंने पहले दिन से ही बताया था आपके लिए और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और सीधा मैंने हॉस्पिटल का नंबर दिया है, सर का नंबर दिया है, आप सीधा सर से बात करिए, ना ही आपको हमसे बात करना, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे हॉस्पिटल में आना है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आप पहले हमसे बात करो फिर हम सर के यहाँ आपको पहुँचाएंगे, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, मेरा सिर्फ काम था कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा, पूरा हमने हॉस्पिटल पर यहाँ पर सर के लिए डिपेंड कर दिया, और सर से मैंने पहले ही बोल कर रखा था कि सर मैं सीधा सीधा आपके यहाँ भेजूँगा, किसी को भी आना है सीधा आपके यहाँ आएगा, मुझे कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है, ठीक है। यदि आपके लिए हमारे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब।